आपको। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है समीर अहमद जी की तरफ से, ब्रो वन प्लस का रेट 50 इंच टीवी का कितना होगा सेल में? भाई देखिए ये, अबे यार अभी भाई मेरे ख्याल से यार हाँ, तो यार समीर अहमद जी का जो क्वेश्चन है कि वन प्लस 50 इंच जो टीवी है उसका सेल में प्राइसिंग क्या होगा। देखो यार अभी प्राइसिंग जो है अभी रिवील करना है जो है मतलब ऑफिशियली अलाउड नहीं है हम लोगों को फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरफ से। उनको उन्होंने हमको बोला है कि आप जो है 21 की जो लेट नाइट मतलब रात को 12 बजे के बाद मतलब बोला है 22 की रात को ही आप रिलीज करिएगा। अभी प्राइसिंग आपको नहीं बताते, लेकिन आपको ये बता सकते हैं कि हाँ एक अच्छी प्राइस रेंज में आ सकता है 50 इंच की टीवी अगर आप लोगे तो मेरे ख्याल से वो आराम से आपके बजट में आ जाएगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 33,000 का भी है और ठीक ठाक रुपए उसमें घट सकते हैं। उसके बाद सारी निगमन प्रवीण, इन्होंने बोला हाय ब्रो प्लीज सजेस्ट मी द बेस्ट क्वालिटी टीवी अंडर 40K। ब्रो अंडर 40K तो यार कोई भी कंपनी नहीं है, मतलब आप 10,000 रुपीज़ अगर आप बजट बढ़ाते हो तो आपको कई सारी कंपनी मिल जाएगी, TCL आ जाएगी, MI आ जाएगी। TCL की मैं फुल रिव्यू वीडियो ले आने भी वाला हूँ। थोड़ा सा बजट बढ़ाइए गाइस, 40K में अगर आपको नॉर्मल 4K टीवी चाहिए 55 इंच की तो मिल जाएगी कई सारी कंपनी, जैसे वन प्लस की मिल जाएगी आपको, MI की मिल जाएगी आपको, हाईसेंस कंपनी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको QLED टीवी चाहिए तो बजट आपको कम से कम 10,000 to 15,000 रुपीज़ बढ़ाने पड़ सकते हैं। HM व्लॉग जी का क्वेश्चन आया है कि वन प्लस Y1S प्रो का जो आज आपने वीडियो बनाया साथ साथ में Xiaomi TP5X सीरीज का, इसका कंपेयरिंग करिए आप Hisense A6H से। तो यार Hisense A6H से तो मैं Xiaomi TP X सीरीज का तो कंपेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ, बाकी वन प्लस की टीवी का कंपेयरिंग आपको चाहिए तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि आप अगर वन प्लस सोच रहे हो Hisense सोच रहे हो तो यार कलर स्मूथनेस जो आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलने वाली है वो Hisense में मिलने वाली है। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत अलग का जैसे गेमिंग वेमिंग करना चाहते हो तो आप वन प्लस की तरफ जा सकते हो। और डीप प्रजापति जी ने पूछा कि जो मैंने मोटरोला स्पीकर 100 वॉट का जो जो है स्पीकर की वीडियो बनाई थी, उन्होंने पूछा कि क्या ये आउटडोर पार्टी के लिए सब जो बेस्ट है। देखो यार आवाज़ तो बहुत अच्छी सब कुछ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बैटरी नहीं है इसके अंदर इनबिल्ट, आपको 220 वोल्ट का इनपुट देना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट लाइन से चलता है ये, आप इसमें बैटरी चार्जिंग सिस्टम नहीं है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी एक ने पूछा है कि आप बेस्ट क्वालिटी कैसा है ये साउंड बार, वही सेम क्वालिटी? यार भाई मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का साउंड बार है, लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बिल्कुल अच्छा साउंड बार है आपके लिए। वैसे क्या आज मैं जो ये आज सेशन है मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला, मैं 10 से 15 मिनट के लिए करूंगा, और मैं जो है हर दिन जब तक सेल चलेगी मैं लगभग लगभग कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं एक बार लाइव जरूर आ जाऊँ आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। उसके बाद आशियन जी क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चन आया है पोको X4 Pro 5,000 रुपीज सस्ता है। यार ये क्वेश्चन कल एक और किसी ने पूछा था, यार भाई सस्ता तो रहेगा ही जो है, क्योंकि पोको सीरीज जो है सस्ती सीरीज बनाई थी, रेडमी सीरीज थोड़ी सी महंगी है, मतलब बजट फ्रेंडली में सब कुछ देने की कोशिश करता है पोको की कंपनी। और आपके किसी का क्वेश्चन है जो अगर आप कोई लाइव हो तो आपके किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से आपके किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है आप में से जो लोग अभी व्यू लाइव व्यू देख रहे हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली। एक क्वेश्चन आया है 11X गेमिंग की तरफ से, विंग्स 105 और विंग्स 500
प्लीज टेल मी यार। देखो ये जो ईयरबड्स हैं दोनों, ये जो है इसकी मतलब अभी मैंने टेस्टिंग नहीं करी टू बी ऑनेस्ट, मैं बता दूं। और बाकी जो नॉर्मल ईयरबड्स है, क्योंकि अगर ये गेमिंग ईयरबड्स है तो मैंने अभी इसकी टेस्टिंग नहीं करी, क्योंकि यार आजकल सेल्स में वैसे भी मैं स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, मोबाइल की ही रिव्यू में लगा हूँ लगातार, इसकी टेस्टिंग सॉरी यार अभी कर नहीं पाया हूँ, तो अभी मैं आपको इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ। बाकी और कोई क्वेश्चंस है आप में से किसी और का? चलिए आप में से किसी और को कोई क्वेश्चंस नहीं है, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। जैसे देखो यार सेल शुरू होने वाली है, देखो 23 सितंबर से, ठीक है? तो आप जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ये नहीं कि मतलब आपको कोई प्रोडक्ट बिल्कुल सस्ता मिल रहा, महंगा मिल रहा, आप उसमें इंतजार जरूर करना कभी कभी। मतलब हाँ, कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जब दिख जाए आपको ज्यादा जल्दी जल्दी जो है सेल आउट हो रहे हैं, ऐसा पता चल जाए, ओनली 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट लिख रहा है, तो उन प्रोडक्ट को खासकर ध्यान दीजिएगा। जैसे जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकते हैं, मतलब आप सोच रहे हो ज्यादा इंतजार करें तो आउट ऑफ सेल हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। बाकी जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, जो पसंद आ रहा है उसका जो प्राइस अभी है वो 1 घंटे, मतलब 1 घंटे से ज्यादा इंतजार मत कीजिएगा, इतना इससे ज्यादा इंतजार करने का आपको जरूरत नहीं है। यार थोड़ी सी नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गई थी बीच में मेरी। हाँ आपको मैं बता दें, सेल्स के बीच में मतलब जैसे सेल स्टार्ट होती खरीदिएगा, खासकर उन लोगों को ज्यादातर ध्यान देना जो लैपटॉप खरीद रहे हैं, खासकर गेमिंग लैपटॉप वाले जो लोग हैं, खासकर अपने लिए जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको गेमिंग लैपटॉप खरीदना है तो 50,000 से 1 लाख के जो बीच वाले हैं, अगर आपको सेल्स में अच्छा लैपटॉप मिला तो आप तुरंत खरीदिए। लेकिन अगर आपके जो बजट है 1 लाख टू 1,50,000 रुपीज का है और आपको उसमें 4-5 हज़ार रुपये का अंतर मिल रहा है, तो ही आप उस चीज को जल्दी से जल्दी खरीदिए, नहीं तो इंतजार करें। क्योंकि यार कभी कभी, क्योंकि इतने जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं वो इतनी जल्दी सेल आउट होते नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो उस चीज में जरूर ध्यान दीजिए कि आप सुबह से शाम तक या दूसरे दिन तक हो सकता है उसका प्राइस और ज्यादा गिर जाए, 10-10,000 15-15,000 तक इस बार प्राइस गिरने वाले हैं। आपको मैं बता दूं काफी ज्यादा अच्छी सेल्स आने वाली है लैपटॉप में, और खासकर स्मार्ट टीवी, खासकर जो क्यूएलईडी टीवी खरीदना चाह रहे हैं और जिनका बजट 70,000 रुपीज के ऊपर है, 70,000 रुपीज के नीचे वाले अगर नॉर्मल आपको डिस्काउंट मिला तो खरीद लीजिए, 70,000 या 60,000 रुपीज का आपका ऊपर का बजट है तो आप आराम से उस टीवी को देखिए कौन सी टीवी पसंद आ रही है। क्योंकि यार मैंने क्यूएलईडी टीवी की बेस्ट जो है वीडियो बनाई भी हुई है, आप उसमें से ही कोई टीवी चुनिए मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी टीवी चुन लो, क्योंकि यार टीवी आदमी नॉर्मली स्मार्ट टीवी 4-5 साल जो है मतलब 6-7 साल के नीचे तो नहीं चलाता, ऐसा तो नहीं स्मार्टफोन जैसे 2-3 साल में आप बदल दोगे। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप जो है उस टीवी, अच्छी टीवी खरीदिए, मेरी रिकमेंडेशन की टीवी खरीदिए। और जितनी भी टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप है, मैं सबकी लिंक मैंने अपनी जो पर्टिकुलर जो जो वीडियो बनाई है अंडर 70,000 स्मार्टफोन स्मार्ट टीवी, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। यही सेम लिंक जो है मैंने डिस्काउंटेड लिंक ही डाली है, जो सेल्स की लिंक मुझे फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरफ से प्रोवाइड हुई है वही लिंक मैंने डाली हुई है गैस। अभी तो आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही 22 को जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो है बिग बिलियन डे सेल और ये सेल स्टार्ट हो जाएगी, तो तुरंत ही आपको उसमें डिस्काउंटेड लिंक वाली प्राइस दिखना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा डिस्काउंट लिंक, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने ही मुझे ये लिंक प्रोवाइड कराई है, ठीक है? और दूसरी चीज यार, अनुज जी का जो है, अनुज कुमार का क्वेश्चन आया है, एमआई टीवी 5X 43 इंच टीवी का प्राइस का ऑफर में भी कुछ रेट कम नहीं है। भाई अभी तो यार अनुज कुमार जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको, अभी सेल शुरू तो होनी है, मतलब 22 अगर आप जो है फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर हो या फिर अमेजोन जो है प्राइम मेंबरशिप है, तो आपको 22 से स्टार्ट हो जाएगी सेल, या 23 से नॉर्मली स्टार्ट हो रही है, तो आपकी जो ऑफर प्राइस है वो तभी कम होने वाला, अभी कम नहीं होगा। अनुज कुमार जी ने पूछा है, हमें 43 इंच टीवी MI 5X लेना है बट कहीं भी प्राइस कम नहीं है, सेल में भी वो भी किसी भी। भाई अभी देखिए अनुज कुमार जी, अभी सेल स्टार्ट नहीं हुई है, आप अभी ये आप मत देखिए कि इसका प्राइस कम हो जाए, आप इंतजार करिए। आपको ये टीवी आराम से, अगर कार्ड से ऑफर लगाते हो तो आराम से ये टीवी आपको 27 टू 28,000 रुपीज की मिल जाएगी, जो नॉर्मली 31 या 32,000 रुपीज की मिलती है, ठीक है? तो अभी जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि यार आज क्या है, 20 है, कल 21, कल की रात को 12 बजे से आपकी सेल शुरू हो जाएगी, आपको एम आई टीवी 5X का जो प्राइस है वो सस्ता आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे अनुज कुमार जी,
हाँ, तो वैसे मैं बात कर रहा था, आप आते हैं स्मार्टफोन्स वालों के, खासकर अगर आप बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन ले रहे हो तो यार देखिए, अगर अंडर 10,000 के स्मार्टफोन ले रहे हो तो खासकर उन लोगों के लिए है कि आपको बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको 1,000 रुपीज़ का भी प्राइस डिफरेंस मिल रहा है, 500 रुपीज़ का भी, तो यार आप मुझ के स्मार्टफोन को ले लीजिएगा। तो मैंने अंडर 10,000 बेस्ट स्मार्टफोन की वीडियो भी बनाई है, उसी रिकमेंडेशन से जाकर के स्मार्टफोन लीजिए। अच्छे अच्छे स्मार्टफोन को ही मैंने रिकमेंड किया है। बाकी अंडर 20,000 अगर आपकी स्मार्टफोन का है तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको परफॉर्मेंस के हिसाब, जैसे आपको गेमिंग लेनी क्या लेना है, तो उसके हिसाब से खासकर गेमिंग जो स्मार्टफोन है उसमें काफी ज्यादा बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी मैं रिवील नहीं कर सकता कितना डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन हाँ काफी बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है, खासकर जो गेमिंग स्मार्टफोन है 20,000 या अंडर 30,000 लेने वाले हैं, जिसमें प्रोसेसर पे ज्यादा ध्यान दिया गया, कैमरा आपको इतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा अंडर 20,000 में। अगर आपको कैमरा भी अच्छा चाहिए, प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए, तो यार आपको बजट कम से कम 30,000 रुपीज करना ही पड़ेगा। बाकी बात करी जाए नथिंग फोन वन की, और जो है कई कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि नथिंग फोन वन या गूगल पिक्सल 6a लिया जाए, तो यार देखिए गूगल पिक्सल 6a नॉर्मली 45 या 43,000 रुपीज़ का है, सेल में बताया जा रहा है वो 30 या 27,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। नथिंग फोन वन भी 37-40,000 रुपीज़ का था, वो भी 27 का मिलेगा। यार मैं कहूंगा कि आप नथिंग फोन वन को छोड़ करके आप जो है गूगल पिक्सल 6a लीजिए, क्योंकि आपको उसमें एंड्रॉइड 13 ही मिल रहा है शुरुआत से ही, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तुरंत ही आपको अपडेट एंड्रॉइड 13 का मिल जाएगा। और प्लस में यार गूगल का एक खुद का स्मार्टफोन है, तो आपको 5 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाले हैं और 4 साल के आपको एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाले हैं, और काफी ज्यादा अच्छा कैमरा आपको चाहिए, सब कुछ चाहिए, परफॉर्मेंस लुक वाइज सब कुछ चाहिए, तो यार गूगल पिक्सल 6 से अच्छा स्मार्टफोन नहीं है अंडर 30,000 रुपीज में अगर वो आ जाता है तो। नथिंग फोन वन भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि मैं उसको बिल्कुल डिग्रेड कह दे रहा हूँ, अगर आपको पसंद नथिंग फोन वन की है तो आप बिल्कुल उसकी तरफ भी जा सकते हो, ऐसा कोई कमी नहीं है नथिंग फोन वन में, लेकिन हाँ यार गूगल पिक्सल 6 से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा स्टैंड आउट हो जाता है, नथिंग फोन वन से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी अब भैया मैं लाइव हूं अभी, तो गाइस वैसे भी 18 मिनट्स हो चुके हैं, आपके किसी के कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे क्वेश्चंस का आंसर आप पूछ सकते हो, मैं बैठा हूं आपके लिए यहां पे। और मैं स्मार्टफोन में कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देख लेता हूं, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। हाँ तो क्वेश्चंस यार अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं आपके क्वेश्चन। हाँ नीरज जी का क्वेश्चन आया था कि यार IQ स्मार्टफोन ले कि OnePlus 10 Pro स्मार्टफोन ले, IQ 9 Pro या OnePlus 10 Pro। तो यार मैं एक चीज बताऊँ आपको, OnePlus 10 Pro अच्छा है स्मार्टफोन है, अच्छी ब्रांड कंपनी है, मतलब OnePlus 10 Pro भी अच्छा है स्मार्टफोन, अच्छी कंपनी है, और IQ 9 Pro भी अच्छा है स्मार्टफोन है। आपको इन दोनों में अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो मैं बोलूँगा यार आप IQ 9 Pro की ओर जाइए, क्योंकि यार IQ क्या है, बढ़ती हुई कंपनी है, तो अपने स्मार्टफोन पे जल्दी से जल्दी अपडेट, जल्दी जल्दी सिक्योरिटी अपडेट, ये सब चीज़ें आपको जल्दी देगी। बाकी कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगाया गया IQ 9 Pro में, तो मेरे ख्याल से आपको रिकमेंडेशन है कि आप IQ 9 Pro की ओर ही जाइए। भाई ये क्या क्या नाम है आपका, वामसु भाई, आपका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आपका आपने लिखा U7H का RDO लिखा, बताइए किस तरीके का इसका RDO है। भाई U7H में यार दो स्पीकर आते हैं, आप कौन से स्पीकर की बात कर रहे हो, मतलब पूरा मुझे बता जरूर दीजिए U7H की कौन से स्पीकर की आप बात कर रहे हो खासकर, या तो मैं एक बार आपके लिए देख लेता हूँ एक बार, तो आप किसकी बात करने वाले हो। आप हाइसेंस टीवी U7H की बात कर रहे हो या फिर एक स्पीकर भी आता है U7H, आप उसकी बात कर रहे हो, मुझे एक बार जरूर बता दीजिए आप। बाकी क्वेश्चन है, ऋषभ जी का क्वेश्चन आया है कि यार बेस्ट गेमिंग लैपटॉप बता दीजिए अंडर 1 लाख रुपीज। यार बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 1, अभी लेनोवो लीजन सीरीज लॉन्च हुई है, काफी ज्यादा अच्छा लैपटॉप है उसका, इसकी मैं फुल वीडियो अंडर 1 लाख रुपीज बेस्ट बेस्ट गेमिंग लैपटॉप की मैं वीडियो ऑलरेडी मैं कल बनाने वाला हूँ, आप उस वीडियो को मेरी देखिए। अभी यार बताने के थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उस वीडियो मैंने बहुत मेहनत करी है, मतलब इस मतलब शॉप में जाकर के, कहीं फ्रेंड के पास, कहीं मतलब बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाई, 10-15 दिन में जाकर के कन्वर्ट हुई है। तो यार उस वीडियो को जाकर के आप जरूर देखिएगा, आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको किस तरीके से कौन सी वीडियो पे, मतलब कौन सा लैपटॉप आपको गेमिंग लैपटॉप अपने लिए प्रीफर करना है। अनुज कुमार जी ने लिखा है थैंक्स भाई, यार थैंक यू सो मच, आपका भी थैंक यू सो मच। बाकी और कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताइएगा मुझे।
ठीक है। हाँ तो यार आप सभी के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से यहाँ पे यही खत्म होते हैं, मैं लाइव स्ट्रीमिंग यहीं पे खत्म करता हूँ अपनी, और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेल्स में बहुत बढ़िया बढ़िया अपने डील्स ऑफर लीजिए, लेकिन जरूरत हो तभी अपना पैसा को खर्च करिए। यार एक आखिरी क्वेश्चन किसका आया है, एंटरटेनमेंट विश टीवी आर बेस्ट पिक्चर क्वालिटी, सैमसंग 4K नियो या फिर 43 इंच वर्सेस MI TV 5X इन 50 इंच। अगर 50 इंच की बात कर रहे हो यार, तो देखो यार आपको मैं एक क्लियर भाषा बताऊं, अगर आपको पिक्चर क्वालिटी की बात है तो आप सैमसंग की ओर जाइए, काफी ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी है सैमसंग 4K नियो की। और अगर आपको गेमिंग वेमिंग या फिर ज्यादा डॉल्बी एटमॉस एटमॉस की चीजें ज्यादा चाहिए तो आप MI TV 5X की ओर जा सकते हो। सैमसंग 4K नियो इज द बेस्ट इन पिक्चर क्वालिटी। तो अगर आपके क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से आपको नहीं है इतने ज़्यादा क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं तो मैं अब सेशंस को भी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ गाइस। और सेशन को ख़त्म करने के साथ साथ मैं फिर से भी बोल रहा हूँ, चीज़ों की जब ज़रूरत हो तभी पैसे को खर्च करिए, ये नहीं कि जब डिस्काउंट मिल रहा है आपको बहुत ज़्यादा तब आप सोच रहे हो प्लान करने के लिए उस चीज़ को खरीदने के लिए, ऐसा मत करिएगा। आप वही चीज़ को खरीदिए जो चीज़ आपको ज़रूरत है, उस चीज़ में जब डिस्काउंट मिल रहा है तभी उसको खरीदिए, नहीं तो ये नहीं कि डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है तो प्लान कर लिए उस चीज़ को खरीदने के लिए, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। थैंक यू सर, 23 बिग बिलियन सेल में होगा, 23 बिग बिलियन सेल में होगा, मतलब भाई मतलब क्या सैमसंग टीवी आप बोल रहे हो, बिग बिलियन सेल में 23,000 रुपीज़ मिला, ऐसा कुछ मैं समझ नहीं पाया आपका। वैसे थैंक यू आपने बोला है, आपको भी मैं थैंक यू करता हूँ, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर मिला अच्छी तरीके से। सेल्स हैव हैप्पी सेल, सब कुछ हैप्पी हैप्पी तरीके से आपका जाए। वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ गाइस, और मेरे ख्याल से आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, आखिरी क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, आखिरी के मैं 20 सेकेंड देख लेता हूँ, आपके कोई क्वेश्चन आ रहे हैं 20 to 30 सेकेंड में, आपको कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं एक बार देख लेता हूँ। सैमसंग 4K नियो सेल में होगा, हाँ जी सैमसंग 4K नियो आपको सेल में जरूर मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से सस्ते मिल जाएगा। और अनुज कुमार जी पूछ रहे हैं कि लाइव टीवी जादूगर बहुत अच्छा है लगा, थैंक यू। हाँ ठीक है यार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आपको सफिशियंट आपको अच्छा आंसर मिल गया, तो यार मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन करके। ठीक है चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, मैं सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ, और गुड नाइट।